हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन मीन संचार। बेसिक चीज़ें एक्सटेंशन की सारी हमने समझ ली है। आज कम्युनिकेशंस पढ़ेंगे, कम्युनिकेशंस की मेथड जिसको हम टीचिंग मेथड्स बोलते हैं, किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन के साथ या ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ। सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशंस क्या है। तो ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो कम्युनिकेशन जो वर्ड है याद रखना, ये भी कौन सा वर्ड है? लेटिन वर्ड है। जैसे कि एक्सटेंशन लेटिन वर्ड था, तो यहाँ से ये आपको समझ में आ जाएगा कि कम्युनिकेशन भी जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, क्या है? लैटिन वर्ड है। अब ये लैटिन वर्ड कौन सा है? तो लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड कौन सा है? तो लैटिन वर्ड है कम्युनिस। कौन सा है? कम्युनिस। कम्युनिस वर्ड से बना है कम्युनिकेशन। इस कम्युनिस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कम्युनिस वर्ड का मतलब होता है, मीन्स होता है कॉमन। क्या होता है? कॉमन। कॉमन मीन्स आम, मतलब कि जो कुछ भी आपके अंदर है, आपका नॉलेज है, जो कुछ भी आप जानते हो उसको आम कर देना, मतलब कि क्या कर देना, उसको लोगों के साथ शेयर करना, एक्सचेंज करना, ट्रांसफ़र कर देना, डेट इज़ मतलब क्या करना, उसको पब्लिक कर देना। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक्सटेंशन का जो नॉलेज है, मेरे पास जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मेरा जो नॉलेज है वो पब्लिक में आम कर दिया मैंने, कॉमन कर दिया। ठीक, ये इसका मतलब है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या हो गया कि जो कुछ हम जानते हैं उसको लोगों के साथ शेयर करना, कम्युनिकेट करना, एक्सचेंज करना, दैट मीन्स कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्ड एक लैटिन वर्ड है जो कम्युनिस से लिया गया है और जिसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन हम यहाँ बोल सकते हैं, कॉमन यहाँ बोल सकते हैं टू शेयर, जिसका मतलब होता है टू शेयर, एक्सचेंज। ठीक है, कम्युनिकेट ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये। कॉमन मतलब क्या है कि हम शेयर करना, एक्सचेंज करना, कम्युनिकेट करना, चीज़ों को समझते जाना। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कम्युनिकेशंस होता क्या, डेफिनेशंस की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कम्युनिकेशंस होता क्या। तो कम्युनिकेशन हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द शेयरिंग ऑफ आइडिया, स्किल, नॉलेज और जो कुछ भी है। ठीक है, बिटवीन वन आर, या बोल सकते हैं बिटवीन मोर देन टू पीपल्स, क्योंकि कम्युनिकेशंस के लिए कम से कम दो लोग ज़रूरी है। याद रखना, कम्युनिकेशंस के लिए मिनिमम जो है दो लोग ज़रूरी है। ठीक है, दो लोग ज़रूरी है कम्युनिकेशंस के लिए। तो बिटवीन मोर देन टू पीपल्स, ठीक है, वन क्या बोल सकते हैं, टू आर मोर देन टू पीपल के बीच में जब हम क्या करते हैं, अपनी आइडियाज़ जो हैं, अपनी जो थिंकिंग है, हमारा कुछ नॉलेज है, उसको हम शेयर करते हैं, उसको कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। बट वो क्या होना चाहिए? एक्यूरेटली एंड सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। मतलब ऐसा कि नहीं कुछ भी आप दिए जा रहे हो बत्ती, ऐसा नहीं, मतलब कि एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ऐसा रहता है ना कि आज बोलते हैं कि अराय का पहाड़ बन जाता है, कुछ झूठी इन्फॉर्मेशन अगर थोड़ा सा हो, कट करके डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसका क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका जो है क्रिटिसाइज उसको लोग कर देते हैं बिना कुछ जाने। तो यहाँ पे इसी का मतलब है, कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपना नॉलेज शेयर तो कर रहे हैं, बट वो नॉलेज हमारा एक्यूरेट होना चाहिए, उससे सामने वाला बंदा जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वो सेटिस्फाई भी होना चाहिए। ठीक है, तो समझना चीज़ें। तो कम्युनिकेशन का मतलब हम समझेंगे, क्या समझेंगे? इट इज द शेयरिंग ऑफ आइडिया, स्किल, एटीट्यूड, ठीक है, एंड नॉलेज idea, skill and knowledge between two or more people, two or more people accurately and satisfactory, ठीक है, समझ में आया कि हम हमारे आइडियाज़, हमारी स्किल, हमारे एटीट्यूड और जो हमारा नॉलेज है वो लोगों के बीच में शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन जो नॉलेज हमारा करेक्ट नॉलेज है वही शेयर करना है, जिससे क्या हो, हम भी खुद भी सेटिस्फाई हो, हमें भी सेटिस्फेक्शन मिले कि जो मैंने चीज़ें शेयर की है वो बहुत सही थी और सामने वाला बंदा भी क्या हो, उससे सेटिस्फाई हो। ऐसा नहीं है कि अधूरा ज्ञान हमेशा तकलीफ देता हो। बोलते हैं ना, मुझे कुछ पता नहीं है और मैंने वो चीज़ आपको बता दी, वो पता चला उसका नॉलेज मुझे ही प्रॉपर नहीं था, तो ना मैं सेटिस्फाई होऊंगा ना आप उस नॉलेज से सेटिस्फाई होंगे, क्यों? क्योंकि वो अधूरा ज्ञान है। एक्चुअल में क्या हुआ वो आपको भी नहीं पता, एक्चुअल में क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। तो जो कुछ भी हम किसी के साथ शेयर करते हैं, तो पहले क्या होना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि हम जो शेयर कर रहे हैं क्या वो करेक्ट है, एक्यूरेट है, क्या मैं खुद सेटिस्फाई हूँ उस इंफॉर्मेशन से जो मेरे पास है,
देन हमें क्या करना चाहिए, वो कम्युनिकेट करना चाहिए, वो हमें शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। ठीक, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम कम्युनिकेशन एज ए एक्सटेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें शेयर नहीं करना होती है। ठीक है, कहीं और आप मत ले जाना इसका मतलब कि सर ये तो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं, पर्सनल लाइफ है हमारी, हम किसके साथ क्यों शेयर करें। तो यह पर्सनल लाइफ कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, इवन सोशल मीडिया पे भी नहीं। कोई लोग जो है व्हाट्सएप पे फोटो डाल देते हैं कि आई एम गोइंग टू फलाना, आई एम गोइंग टू दिखाना, आप क्या कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो सामने वाले को क्या कि आज मैं घर पर नहीं हूँ, आज मैं उज्जैन जा रहा हूँ, आज मैं भोपाल जा रहा हूँ, मतलब घर पर कोई नहीं है, आपके घर पर डाका डल सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना, समझ में आ रहा, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना। इंफॉर्मेशन क्या चेंज करना, जो नॉलेज, जैसे मैं आपके साथ एक्सटेंशन, मैं आपको एक्सटेंशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे रहा हूँ, डेट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ना। तो पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना है। तो समझ में आ गया कि जो शेयर आइडियाज़ हैं, स्किल है, एटीट्यूड है, नॉलेज है, उसको हम दो या दो से अधिक लोगों के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बट वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। और दिस कैन बी, ये क्या हो सकता है, समझो, दिस कैन बी इंटेलेक्चुअल, ये जो हमारा नॉलेज है या जो भी है वो क्या होना चाहिए, दिस कैन बी इंटेलेक्चुअल पर्सनल स्पोकन आर रिटन इन नेचर। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है कि जो आपका आइडिया, स्किल, इंफॉर्मेशन जो भी आप शेयर कर रहे हो दो या दो लोगों के बीच में है ना, वो इंटेलेक्चुअल मतलब खुद के साथ भी हो सकता है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप बोल कर शेयर कर सकते हैं, आप रिटर्न फॉर्मेट में शेयर कर सकते हैं, आप लिख के भी, मतलब मैं आपको यहाँ पे एक लेटर लिख के भेज सकता हूँ, या आप जो मेरे नोट्स पढ़ोगे वो रिटर्न फॉर्म में है। ठीक है, जो आप नोट्स पढ़ रहे हो मेरे वो रिटर्न फॉर्म में, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का भी हो गया। स्पोकन, मैं अभी आपको बोल के आपसे बात कर रहा हूँ, वो हो गया, पर्सनली मिल के बात करूँगा, वो हो गया। इंटेलेक्चुअल, हम खुद से भी कभी बात करते हैं, वैसे तो हमें कम्युनिकेशन के लिए दो लोग चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसे आपको बताऊँगा जिसको हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं जिसको, कि हम क्या करते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी करते हैं। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब हम खुद से भी बातें करते हैं, कई बार हम खुद से बातें करते हैं कि हाँ यार मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, और किसी निष्कर्ष पर हम पहुँचते हैं, किसी निर्णय पर पहुँचते हैं, हाँ मैं अब इस तरीके से काम करूँगा, तो वो भी होता है। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग चाहिए, ये बात दिमाग में रखना। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल हम खुद से के साथ भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं, इस बोल कर सकते हैं, रिटर्न फॉर्म में कर सकते हैं, ये ऐसा हो सकता है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब फादर ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, है ना, फादर ऑफ की भैया कम्युनिकेशन की है, तो कम्युनिकेशन के पिताजी भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फादर ऑफ कम्युनिकेशन, फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, तो फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, विल्बुर श्राम। स्पेलिंग देख लेना यार बच्चों, है ना, विल्बुर श्राम जो है इसके फादर है, फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, विल्बुर श्राम जो है फादर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये याद ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत सोचना फादर ऑफ कम्युनिकेशन एक टेलीकम्युनिकेशन के भी फादर है, फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन किसको बोलते हैं, सैम पित्रोदा। ठीक है, सैम पित्रोदा जो हमारे येलो रिवोल्यूशंस के भी फादर है ना, पीली क्रांति जो हम पढ़ते हैं ना, तिलहन क्रांति, येलो रिवोल्यूशंस, उसके फादर कौन है, सैम पित्रोदा। और सैम पित्रोदा को ही क्या बोला जाता है, टेलीकम्युनिकेशन के फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन जो अपन मोबाइल टेलीफोन वगैरह से बात करते हैं उसके हम उसको बोला जाता है फादर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो यहाँ से कम्युनिकेशन की बात हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन के फादर कौन है, सैम पित्रोदा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन तो हो गया, पर कम्युनिकेशन होगा कैसे, किस किस तरीके से हो सकता है, क्या इसके एलिमेंट्स हैं। तो मैं कुछ की एलिमेंट्स की बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट है, की एलिमेंट्स कौन कौन से, मेन एलिमेंट्स की बात करें या की एलिमेंट्स की बात करें, की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, की एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, मैसेज को सोर्स होगा, सोर्स बोल सकते हैं, सेंडर बोल सकते हैं, कम्युनिकेटर हो सकते हैं, जो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा, है ना। किस बेसिस पे, अभी मैं बताता हूँ, चीज़ें समझना। मैं यहाँ पे पहले सारे जो है आपको बता देता हूँ
ये होता है सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास होता है सेंडर, सेंडर बोलो, या इसको हम कई बार सोर्स भी बोल देते हैं, कई बार इसको कम्युनिकेटर भी बोल देते हैं, ठीक है, कम्युनिकेटर भी बोल देते हैं, ये पहला, ठीक, सब के बारे में भी बताऊंगा। सेकेंड जो इसके बाद हमारा आता है, सेकेंड इसी में आता है, वो आता है हमारा क्या, मैसेज, क्योंकि हम सेंड क्या करेंगे, कोई इंफॉर्मेशन जानकारी मतलब मैसेज सेंड करेंगे। उसके बाद हम क्या सेंड करते हैं, नंबर तीन पे आता है, किसके थ्रू सेंड करेंगे, तो चैनल होगा, चैनल के थ्रू सेंड करेंगे, है ना, कोई भी किसी चैनल के थ्रू सेंड करेंगे। जैसे आपके पास न्यूज़ आती है ना, कोई भी न्यूज़ आती है किस माध्यम से आती है, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कोई ना कोई चैनल होता है, है? चाहे आपका आज तक हो या इंडिया टीवी हो या आर भारत हो, कोई एक चैनल है, उस माध्यम से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये चैनल हो गया। अब इसके बाद आता है मैसेज, बोल सकते क्या, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज बताऊंगा ये भी क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। और उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर पे आ जाता है हमारा क्या, रिसीवर, रिसीवर, एंड देन रिसीवर के बाद सिक्स एलिमेंट है, वो है रिसीवर रिस्पॉन्स, रिसीवर रिस्पॉन्स बोलो या फीडबैक बोलो, रिसीवर रिस्पॉन्स या उसी का वही उसी का फीडबैक हो जाता है। अब यहाँ पे समझो क्या है, ये छह जो है मेन जो है एलिमेंट है, एक तो आपके पास सेंडर होना चाहिए, सेंडर या सोर्स या कम्युनिकेटर, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को क्या है, उसका एक मैसेज बनाएगा, मैसेज बनाएगा मतलब मैसेज फॉर्मेट में उसको बनाएगा, देन वो क्या करेगा, किसी चैनल के थ्रू आपके पास पहुंचाएगा। अब उसमें क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज मतलब जो मैसेज है उसका ट्रीटमेंट करना, ट्रीटमेंट मतलब उसको इफेक्टिव बनाना, देन ये रिसीवर के पास पहुंचेगा, रिसीवर कौन होता है ये बताऊंगा, एंड देन रिसीवर रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स क्या रहता है उसके पास। जैसे मान लो कि हम टीवी में कोई न्यूज़ देखते हैं, है ना, किसी के पास जैसे यूक्रेन और रशिया का वार की आपने न्यूज़ देखी, न्यूज़ देखने के बाद क्या करोगे आप, आपके पास वो न्यूज़ आ गई, आप रिस्पॉन्स दोगे, रिस्पॉन्स क्या दोगे, अरे यार ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा, अब हमारे कंट्री पे ये इफेक्ट पड़ेगा, हमें तेल नहीं मिलेगा, है ना, ऑयल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल के भाव बढ़ जाएंगे, ये हमारा हमारा रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है, रिटर्न। कई लोग टीवी उसी चैनल के पे जाके ही भी रिस्पॉन्स करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा इफेक्ट पड़ेगा हमारी कंट्री के ऊपर, दैट इज रिस्पॉन्स, ठीक। अब यहाँ पर समझना, मैंने बोला सेंडर, सोर्स और कम्युनिकेटर, ये क्या होता है, ये होता है नॉलेज जनरेटिंग, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये होता है नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन पहले जनरेट की जाएगी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन किस बेसिस पे जनरेट की जाएगी, तो ये याद रखना, ये इंफॉर्मेशन किस बेस पे जनरेट की जाएगी, नीड ऑफ द रिसीवर, नीड ऑफ द रिसीवर, मतलब कि ये जो रिसीवर यहाँ पे जो रिसीव करेगा, जब इसको जरूरत होगी वही इंफॉर्मेशन तो ये रिसीव करेगा। समझ में आ रहा है बात को, कि मैं यहाँ पे एक्सटेंशन किन पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको इसकी नीड है, नीड है मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सोर्स मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा हूँ मैं एक्सटेंशन को, यहाँ पे मैंने समझा है, खुद से पढ़ा है, मैंने खुद से इस चीज़ को समझा है, इसका नॉलेज लिया है, देन मैं आपको दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको नीड थी। अगर आपको नीड ही नहीं होती कि हमें एक्सटेंशन पढ़ना ही नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ पे अपना टाइम खराब करता, मैं क्यों इसका नॉलेज लेता, नहीं लेता, नॉलेज क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, ठीक है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचानी है। तो ये सेंडर, सोर्स और कम्युनिकेटर होता है, ये नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम होता है, और ये इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, नॉलेज को जनरेट करते हैं, किस बेसिस पे, तो नीड ऑफ द रिसीवर, नीड ऑफ द रिसीवर मतलब कि जो रिसीवर होते हैं, या जैसे हमारे फार्मर होते हैं, और फार्मर को ज़रूरत है कि भैया हमारे खेत में ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम हो गई है, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो उसी बेसिस पे क्या करेगा, जो ट्रेनर क्या होते हैं, एक्सटेंशन वर्कर होते हैं, वो उस बेसिस पे क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे, वो रिसर्च करेंगे, और वहाँ पर क्या करेंगे, एक निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि भैया फार्मर को ये प्रॉब्लम हो रही है, उसकी ज़रूरत है ये, उसको उसे इसका सॉल्यूशन देना है हमें, तो हमें वो क्या करेगा, रिसर्च करके उसका सॉल्यूशन इजाद करेगा, मतलब क्या करेगा, वो जनरेट करेगा, किस बेस पे, नीड ऑफ द रिसीवर मतलब कि नीड ऑफ द फार्मर,
रिसीवर कौन होगा? फार्मर ही होगा। अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन क्या करता है, टेक्नोलॉजी को फार्मर तक पहुँचाता है, तो टेक्नोलॉजी फार्मर तक, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्यों होता है, टेक्नोलॉजी बनती क्यों है? क्योंकि फार्मर को नीड होती है, फार्मर की इजी लाइफ के लिए, उसकी फार्मिंग को इजी करने के लिए, उसकी इनकम को डबल करने के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। तो फार्मर को नीड है, इसीलिए वहाँ पर उसका जनरेशन होता है, नीड बेसिस पे यहाँ पे जनरेशन होता है। तो जो सेंडर सोर्स और कम्युनिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इंफॉर्मेशन को किस बेसिस पे, रिसीवर की आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक, अब जो इंफॉर्मेशन इन्होंने जनरेट की उसको वो क्या करेंगे, मैसेज मतलब क्या करेंगे, उसको एक प्रॉपर एक शेप दे देंगे। ठीक है, एक मैसेज बनाएंगे। ठीक, एक मैसेज, एक प्रॉपर उसको शेप दे देंगे, किसके लिए, सोर्स कम्युनिकेटर के लिए। ठीक है, पहली चीज आप समझ गए कि सेंडर सोर्स कम्युनिकेटर क्या काम करता है, ये नॉलेज जनरेटिंग का काम करता है, देन नीड ऑफ द रिसीवर, रिसीवर की बेसिस पे, मतलब बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द रिसीवर, जो हमें चाहिए उसी के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, मैसेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, देन उसका एक मैसेज बनाते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर एक परफॉर्मा बना देंगे कि भाई हाँ, ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन, मैसेज मतलब कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन है उसका। देन अब यहाँ पे मैसेज में क्या होता है, एक इनकोडिंग होती है, याद रखना, ये मैसेज जो होता है ना, मैसेज में इनकोडिंग होती है। इनकोडिंग का मतलब होता है कि एक लिफाफे में पूरी तरीके से बंद। ठीक है, इनकोडिंग का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से कोडेड है, वो इनकोड कर दिया, अब मतलब उसको कोई और कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। देन उसको एक चैनल के माध्यम से, चैनल क्या हो सकता है, चैनल यह हो सकता है कि जैसे आप मेरे से अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आप देखोगे, ये एक माध्यम हो गया। अब मैं आपको पर्सनली या ऑफलाइन बिठा के पढ़ाऊँ, ये एक माध्यम हो गया। फिर मैं क्या करूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल दूँ, वो एक माध्यम हो गया। तो ये होता है चैनल, किस माध्यम से आप वहाँ पर हो रहा है। तो ये जो है चैनल जो होता है, ये जो होता है, ये होता है नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम। नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम की ये क्या होता है, नॉलेज को फैलाने वाला सिस्टम है। ठीक है, जैसे न्यूज जो है, जैसे एक न्यूज़पेपर हो गया, न्यूज़पेपर क्या होता है, इंफॉर्मेशन पूरी कंट्री में फैल जाती है ना, न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू पूरे न्यूज़पेपर में फैल जाती है, रेडियो के थ्रू पूरे इंडिया में फैल जाती है। तो चैनल क्या होते हैं, ये डिफरेंट माध्यम हो सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, है ना, पोस्टर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गए, ये सारे जो है जितने भी कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, ये सब क्या आती है, चैनल है, जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई जाती है। तो ये क्या काम करता है चैनल, ये नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम होता है, मतलब नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को फैलाने का काम करता है, लोगों तक पहुंचाने का काम करता है चैनल। ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज होता है इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज, ठीक है, मैसेज की स्पेलिंग से कर लेना यार, ए। ठीक है, मैसेज को इफेक्टिव बनाना, इफेक्टिवनेस लाना मैसेज के अंदर, मतलब जैसे मान लो क्या होगा कि मैं, आप और हम दोनों आपस में सामने सामने फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। ठीक है, फेस टू फेस मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, डेट मीन्स ये एक भी मेथड है। इसको और इफेक्टिव बनाना है तो क्या करूँगा, इफेक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पे इस माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, अगर एक इस माध्यम से, मतलब कि मैं आपको बिल्कुल इस डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपको लिख के बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा इफेक्टिव हो गया, इफेक्टिव हो गया, मतलब कि मैंने, मेरा जो मैसेज था, जो आपको मैं फेस टू फेस वर्बली बता रहा था, उसको मैंने इफेक्टिव बनाया, कैसे, इस डिजिटल बोर्ड के थ्रू और एक सिस्टमेटिक लिख के इसको मैंने इफेक्टिव बनाया। तो ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज का मतलब यही होता है कि जो मैसेज था हमारा, जो मुझे आपको बताना था, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, उसको और इफेक्टिवनेस लाना उसके अंदर, उसको और प्रभावी बनाना, ताकि आप लोग इजीली समझ सको। अभी मैं मान लो सीधे यहाँ पर कुछ नहीं लिखता, सीधे खड़े होकर आपको बोल देता कि ये रिसीवर होता है, मतलब होता है, मैसेज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज होता है, चैनल होता है, ये होता है। ठीक है, अब मैंने उसी चीज़ को एक यहाँ पे आपको लिखा भी सही, ओरली भी जो है बोल के सारी चीज़ समझा रहा हूँ, मतलब ये उससे थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका है। ठीक, कुछ लोग पीपीटी का यूज़ करते हैं, डायग्राम वाइग्राम अच्छे से लगा देते हैं, सबके दिखने में अच्छा लगता है, वो एक अलग तरीका है। तो डिपेंड करता है ये मैसेज आपको किस तरीके से पहुँचाया जा रहा है। तो मैसेज ट्रीटमेंट का मतलब यही है, उस मैसेज को और इफेक्टिव बनाना। ठीक है, मैसेज का मतलब क्या है, उस टेक्निक को या जो मैसेज आपको पहुँचाया जा रहा है उसको और इफेक्टिव बनाना, सिंपल सी बात। ठीक है, रिसीवर, अब रिसीवर यहाँ पर कौन होता है, जो रिसीवर होता है वो होता है नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम।
नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम होता है। और नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम मतलब यहाँ पर रिसीवर होता कौन है, तो वो होता है फार्मर। इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी, फार्मर के पास, ठीक है, फार्मर के पास ही इंफॉर्मेशन जाएगी, यही रिसीव करेगा क्योंकि उसको जरूरत थी, नीड थी उस इंफॉर्मेशन की। तो रिसीव करने से पहले एक होता है डिकोडर, डिकोडिंग, डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग मतलब कि जो मैसेज फार्मर को मिलने वाला है उसको पहले डिकोड तो करो, ताकि फार्मर जो है अपनी लैंग्वेज में इसी तरीके से समझ पाए। जैसे मान लो ये सारा मैटर तो था बुक के अंदर था, ठीक है, अलग अलग बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई लिखी हुई रहती है, डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहा है, क्या है क्या नहीं है, मतलब एक तरीके से वो इनकोड था, मैसेज इनकोड था। मैं उस चीज़ को पढ़ा, अच्छे से समझा, एक अपनी इंफॉर्मेशन बनाई, अपना एक नोट्स बनाया, ठीक है, नेक्स्ट नोट्स बनाया, एक पूरा मैसेज तैयार किया, फिर चैनल के थ्रू मतलब इस ऐप के थ्रू, ठीक है, आपको यहाँ पर माध्यम मैंने चुन लिया कि इस बोर्ड के थ्रू, इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैंने इसमें इफेक्टिव मेथड यूज ली, डिजिटल बोर्ड वगैरह मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो मैंने यूज़ किया यहाँ पे। देन आपने यहाँ पे रिसीव किया इसको, इस मैसेज को पूरे को रिसीव किया। तो रिसीव कैसे है, रिसीव करने से पहले आपको इस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में अच्छी तरीके से समझ पाओ, है ना। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, नहीं तो ये सारी चीज़ तो बुक में भी लिखी हुई है ना, सारी चीज़ बुक में भी लिखी हुई है। लेकिन रिसीव करने से पहले मैं उसको, मतलब क्या काम रहता है, ये जो सेंटर रहता है ये क्या करता है, आपको अपनी लैंग्वेज में आपकी लोकेलिटी के बेसिस पे आपके ही कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, मतलब उस मैसेज को डिकोड किया जाता है, ठीक है। फिर फार्मर तक वो चीज़ पहुँच जाती है, और फार्मर तक पहुँच जाती है तो फिर फार्मर से उनका रिस्पॉन्स भी लिया जाता है, फीडबैक भी लिया जाता है कि आपको जो है इस, आपको जो ज़रूरत थी उस टॉपिक पर हम पूरा जो है आपको एक कैंप दे रहे हैं, प्रोग्राम दे रहे हैं, पूरा आपको समझाया इसके बारे में, कितनी चीज़ आपको समझ में आई है, आप उसको कितना एडोप्ट कर पाओगे, आपको क्या क्या समस्या फेस करनी पड़ेगी, पूरा वहाँ पर इसका फीडबैक ले लिया जाता है। तो फार्मर का फीडबैक जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें जो ये वाला जो रिसीवर जो होता है, फार्मर जो होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है इन छः में। क्यों? क्योंकि ये सारे जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं घूम फिर के कहाँ आते हैं, रिसीवर पे ही आते हैं। क्योंकि अल्टीमेट एम क्या होता है कि रिसीवर को सेटिस्फाई करना, रिसीवर सेटिस्फाई हो गया, फार्मर सेटिस्फाई हो गया, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हो गया। और फीडबैक लेना मतलब कि जो आपने प्रोग्राम किया है उसको इवेल्युएट करना, मतलब कि उसका एग्जामिन करना कि आपने जो प्रोग्राम किया है वो उन लोगों तक पहुँचा या नहीं पहुँचा जिनको ज़रूरत थी, वो कितना उसको समझ पाए हैं, कितना उसको एडोप्ट कर पाए हैं। तो दीज आर दी की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटर, समझ गए आपको। अब यहाँ पे की एलिमेंट्स तो है, इंग्रेडिएंट की बात करें जनरल सेंस में क्या होता है, मैं अगर बात करूँ इसी को जो अभी मैंने बोला था आपको, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो जनरली चार आपको देखने को मिलेगा, SMCR, ये याद रखना। एस से हो गया ये पे सोर्स, एस से हो जाएगा सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। अब यहाँ पे चीज़ें समझना, यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये क्या है, नॉलेज डिसेमिनेशन सिस्टम, ये जो है ये क्या है, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, और रिसीवर जो है वो क्या है, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। इसके अंदर कौन आ जाता है, फार्मर, इन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाती है, यहाँ पर क्या आता है, जनरेटिंग सिस्टम में जैसे हमारी यूनिवर्सिटी आ जाती है जो क्या करती है, जनरेट करती है, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, ठीक है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती है, ये आ जाएंगे। और यही कि यही सारे यहाँ पे भी यही कि यही सारे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये यही क्या करते हैं, नॉलेज को डिसेमिनेट करने का काम करते हैं, और यहाँ पे हमारे फार्मर्स आ जाते हैं। तो ये सिंपल सा वे हो गया, SMCR जनरली बोला जाता है, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो इसमें जनरेटिंग सिस्टम क्या होता है, डिसेमिनेशन सिस्टम क्या होता है, कंज्यूमिंग सिस्टम क्या होता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से की वाले में बता दिया आपको, ठीक। अब बात करते हैं डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल की बात करते हैं,
किस तरीके से जो है अलग अलग यहाँ पर जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से कुछ कम्युनिकेशंस के क्या बताए, एलिमेंट्स बताए यहाँ पे। जो जो सबसे पहला है, सबसे पहला था वो एरिस्टोटल, एरिस्टोटल मॉडल, एरिस्टोटल मॉडल। इस ये एरिस्टोटल मॉडल जो है ये फर्स्ट मॉडल है, ठीक है, फर्स्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशंस का ये सबसे पहला मॉडल है, ठीक है, कम्युनिकेशन का सबसे पहला मॉडल यही है एरिस्टोटल। और इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, थ्री एलिमेंट्स हैं, ठीक है, याद रखना कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। जनरल यही पूछ लेता है कि जो एरिस्टोटल मॉडल है, जो सबसे पहला मॉडल किसने दिया, क्वेश्चन बनेगा एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल के मॉडल में कितने एलिमेंट्स थे, तीन एलिमेंट्स हैं। तीन एलिमेंट्स कौन कौन से थे, सबसे पहला था यहाँ पे स्पीकर, स्पीकर क्या देगा यहाँ पे, स्पीच, और उसको स्पीच को कौन सुनेगा, ऑडियंस। तो स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, ये तीन यहाँ पर क्या थे, इसके एलिमेंट्स थे, ठीक है। स्पीकर क्या देता है, स्पीच, और स्पीच को कौन सुनेगा, ऑडियंस। तो ये तीन एलिमेंट्स थे एरिस्टोटल मॉडल के, स्पीकर। अब मान लो अब यहाँ पे स्पीकर बोल दिया, पर स्पीकर है क्या, वही सेंडर, वही सोर्स, स्पीच क्या देगा, वही मैसेज की बात हो रही है और ऑडियंस उसको सुनेगी। नेता लोग क्या करते हैं, जो नेता लोग देते हैं वो एरिस्टोटल मॉडल पे तो काम करते हैं, स्पीकर होते हैं, अच्छा खासा वक्ता होते हैं, बोलते हैं, मतलब क्या, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, सुनता कौन है, ऑडियंस सुनती है। तो वेरी फर्स्ट मॉडल, ये सबसे पहला मॉडल जो एरिस्टोटल ने दिया, इसके अंदर तीन एलिमेंट थे, स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, मैं सारे नहीं बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक। दूसरा बर्लो, बर्लो का मॉडल था जो 1960 में दिया था बर्लो ने, ठीक है, बर्लोस मॉडल, ये 1960 में दिया था। इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने थे, तो सिक्स एलिमेंट थे इसके, सिक्स एलिमेंट थे। पहला मैंने बता दिया कि क्वेश्चन बनता है बर्लोस का पूछा जाता है, और एक जो सबसे बेस्ट मॉडल होता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो छः एलिमेंट है उसमें क्या है, उसमें है आपका सोर्स, सोर्स, सोर्स के बाद आता है आपका इनकोडर, क्यों, क्योंकि इनकोड, सोर्स इनकोड करेगा, सोर्स ने इंफॉर्मेशन जनरेट की, उस इंफॉर्मेशन को इनकोड करके क्या मैसेज, सोर्स, इनकोडर, इनकोडर क्या करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा। इसके बाद आएगा चैनल, चैनल, चैनल के बाद क्या हो जाएगा, डिकोडर, डिकोड किया जाएगा, डिकोड के बाद क्या किया जाएगा, रिसीव, रिसीवर रिसीव करेगा, ठीक। तो ये छह एलिमेंट्स हो गए, क्लियर है। पहला हो गया सोर्स, इनकोड करेगा मैसेज को, फिर चैनल, फिर डिकोडर, और फिर देन रिसीवर। तो दीज आर दी सिक्स एलिमेंट ऑफ बर्लोस मॉडल। बर्लोस मॉडल में छह है, सोर्स, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर और रिसीवर, क्लियर। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो किसका है, लिगन्स का, जेपी लिगन्स मॉडल। जेपी लिगन्स मॉडल जो है वो 1963 में दिया गया था, और ये सबसे बेस्ट या बोल सकते हैं इफेक्टिव मॉडल है, बेस्ट एंड इफेक्टिव मॉडल है। इसके अंदर में टोटल कितने हैं, छः एलिमेंट आपको मिलेंगे, कितने यहाँ पर भी, कितने एलिमेंट है, सिक्स एलिमेंट है, सिक्स एलिमेंट इसमें भी है। सबसे पहला वही आ जाएगा यहाँ पर, इसको कम्युनिकेटर बोला जाता है, ठीक है। कम्युनिकेटर मैंने पहले बता दिया, कम्युनिकेटर बोलो या सोर्स बोलो या कुछ बोलो, कम्युनिकेट क्या करेगा, कम्युनिकेटर क्या बोलेगा, मैसेज भेजेगा, क्या भेजेगा, मैसेज। कम्युनिकेटर मैसेज भेजेगा चैनल के थ्रू, फिर मैसेज का ट्रीटमेंट होगा, ऑडियंस लेगी और ऑडियंस का रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलेगा। तो कम्युनिकेटर क्या भेजेगा, मैसेज, मैसेज किसके थ्रू भेजेगा, चैनल के थ्रू। यहाँ पर फिर क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज का ट्रीटमेंट होगा, देन कहाँ पहुँचेगा ये, ऑडियंस के पास, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऑडियंस रिस्पॉन्स, ठीक है, ऑडियंस रिस्पॉन्स मिलेगा। जो ऑडियंस रिस्पॉन्स है वो फीडबैक वापस किसके पास जाता है, फीडबैक वापस किसके पास पहुँच जाएगा, कम्युनिकेटर के पास। तो ये छह एलिमेंट इसमें भी है, कम्युनिकेटर, मैसेज,
चैनल, ट्रीटमेंट ऑफ मैसेज, ऑडियंस एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स। तो ये सबसे इफेक्टिव माना जाता है, मैसेज चैनल फिर मैसेज का ट्रीटमेंट होगा। ये इसीलिए इफेक्टिव माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट मैसेज का ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब उसको और इफेक्टिव बना रहा है ताकि ऑडियंस इजीली तरीके से समझ पाए। एंड देन ऑडियंस का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स मतलब वो फीडबैक वापस कम्युनिकेटर के पास पहुंच जाता है। क्लियर है? ये जो है हमारे क्या हो गए, पूरे जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। क्लियर है? कम्युनिकेशन जो मॉडल है हमारे वो पूरे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। चलिए, ये हो गया कम्युनिकेशन मॉडल। अब हम बात करेंगे किसकी, कम्युनिकेशन मॉडल के बाद अब यहाँ पढ़ते हैं हम क्या, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन समझना, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगा, सबसे पहला आता है लेवल, सबसे पहले लेवल में हम बोल सकते हैं इसमें आता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, देखो इंट्रा पर्सनल, अब यहां पे पहले समझ लेते हैं इंट्रा का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंट्रा का मतलब होता, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, भीतर, अंदर ही। ठीक है, भीतर अंदर ही, इसे समझ जाना। मतलब इंट्रा मतलब हो गया विद इन, और पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन बिटवीन, कम्युनिकेशन बिटवीन या कम्युनिकेशन विद इन दी इटसेल्फ बोल सकते हैं। तो यहां रखना, यहां पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन विद इन दी पर्सन, कम्युनिकेशन विद इन दी पर्सन, या फिर हम बोल सकते हैं यहां पे जरूरी क्या होता है, यहां पे देखो चीजें क्या बोली गई है, इंट्रा मतलब विद इन, तो यहां पर जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन विद इन दी पर्सन बोल सकते हो, बट यहां पे मैं लिख रहा हूं बट, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू पर्सन। ठीक है, कम्युनिकेशन विद इन दी पर्सन, विद इन दी पर्सन मतलब, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोगों का होना जरूरी, मैं पहले बोला कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों का होना जरूरी है। आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो तो क्या अकेले बात करोगे, सामने उस तरफ कोई ना कोई होता है ना बात करने के लिए, तो कम्युनिकेशन जो है दो लोगों के बीच में होता है, टू वे प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन जो है, याद रखना कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, टू वे प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है। ठीक है, टू वे प्रोसेस है, अगर इस तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा तो इस तरफ से भी कम्युनिकेशन होगा, ये आप है, ये निब्बा है और ये निब्बी है। ठीक है, ये निब्बा है और निब्बी है, तो निब्बा फोन पर इधर से बात कर रहा है निब्बी से, तो निब्बी भी उधर से बात करेगी, है ना, टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन, ये एक निब्बा है और ये एक निब्बी है। ठीक, तो अगर निब्बा ने फोन लगाया निब्बी को तो निब्बी भी उधर से बात करेगी, निब्बा भी उधर से बात करेगा, तो टू वे प्रोसेस होती है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बोला है कि इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी होता है, मतलब विद इन पर्सन, जैसे मैं मान लो अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन मतलब खुद से ही बातें करना, खुद से ही कम्युनिकेट करना। क्या कम्युनिकेट करना, मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ कि अच्छा चलो मैंने बच्चों को आज कम्युनिकेशन पढ़ा दिया, अब मैं बच्चों को क्या पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं कम्युनिकेशन बच्चों को मेथड पढ़ाऊंगा, टीचिंग मेथड पढ़ाऊंगा। ठीक है, टीचिंग मेथड पढ़ाने के बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको डेमोस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाऊंगा, ये मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ। ठीक, मैं खुद से ही कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, और मैं जब खुद से बातें करता हूँ तो किसी ना किसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, बार बार बातें करता हूँ, बार बार चीज़ों को समझता हूँ, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो किसी ना किसी निष्कर्ष पर मैं पहुँचता हूँ, कुछ ना कुछ डिसीजन ले पाता हूँ। डेट मीन्स ये इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है, हम सब लोग करते हैं, सब लोग अपने आपस में बात करते हैं, खुद से ही बात करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, डेट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। समझ गए होंगे? ठीक, दूसरा होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यहां समझो इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, बिटवीन मतलब यहां हो गया, यहां क्या होगा, अब बिटवीन हो गया मतलब कम्युनिकेशंस बिटवीन, बिटवीन द पीपल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन द टू आर मोर पीपल्स, यहां क्या आ जाएगा, यहां हम ऐसा लिख सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल्स, या हम बोल सकते हैं
टू आर मोर पीपल, क्यों? कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो लोग रिक्वायर्ड है, तो जब दो या दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, जब लोग आपस में बात करते हैं, या हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन दी पीपल्स या कम्युनिकेशन बिटवीन दी ईच अदर, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन दी ईच अदर, लोग जब आपस में बात करते हैं, जैसे आप जो है अभी मान लो 20 लोग क्लासेस 20 लोग जो है क्लासरूम में बैठे हुए, ऑफलाइन की बात करता हूँ, 20 लोग आप लोग बैठे हुए हो, ठीक, आप लोग आपस में भी बात कर रहे हो, आप मुझसे भी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूँ, तो ये जो कम्युनिकेशन है वो कौन सा है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ठीक, आपस में बात करना, आप और हम आपस में बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, क्या ये निब्बा निब्बी, ठीक है, ये निब्बा इस निब्बी से बात कर रहा है, निब्बी इस निब्बा से बात कर रही है फ़ोन पे रात की 2 बजे 12 बजे, तो ये क्या है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, ये आपस में बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, समझ गए? ठीक। और भाई ये है एक ऐसा निब्बा जिसके पास निब्बी नहीं है, तो ये खुद से ही लगा हुआ है बातें करने, क्या करूँ मेरे पास है ही नहीं, है ना, ये सख्त लौंडा है, इसके पास निब्बी नहीं है, खुद से ही बात कर रहा है, मतलब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और ये दोनों निब्बा निब्बी आपस में बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए इसके बाद जो आता है वो है थर्ड नंबर पे, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इसको इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, याद रखना, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, इंट्रा क्यों बोलते हैं अभी समझ जाओगे, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन बोला, ठीक है, कैसे समझना, मैंने बोला ये एक कंपनी है, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ क्या है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले सकते हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सा भी आप ऑर्गेनाइजेशन ले, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लो आप, ठीक है, मैंने मान लियो यहाँ पे ये बोल दिया मैंने ऑर्गेनाइजेशन को, बोल दिया मैंने यहाँ नाबार्ड, ठीक है, ये नाबार्ड क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अब इसमें क्या है, ये टॉप लेवल पर होता है, टॉप लेवल पर कौन होता है, मान लो यहाँ पे ये डायरेक्टर साहब है, ठीक, फिर मिडिल लेवल पर भी कुछ लोग होते हैं और बॉटम लेवल पर भी कुछ लोग होते हैं, ठीक, यहाँ पर कुछ डेलीगेट्स हैं, मतलब यहाँ ऊपर कुछ लोग हैं, इनके नीचे फिर बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, समझना बात को, ठीक है, जो बता रहा हूँ, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में होता है जब ये आपस में कम्युनिकेट करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशंस बिटवीन दी ऑर्गेनाइज विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे होगा कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में ही कम्युनिकेशन हो रहा है, और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, या हम बोल सकते हैं कम्युनिकेशंस बिटवीन दी मेंबर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे मैं ऐसा लग सकता हूँ क्या, कम्युनिकेशन बिटवीन दी मेंबर्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने बोला नाबार्ड, ये नाबार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ये मेंबर है, ये सारे मेंबर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन बोलो या ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन बोलो, या मैं बोल दूँ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इस एक ही ये नाबार्ड है पूरा, इस नाबार्ड यहाँ पर ये लोग आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये इससे कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो आपस में अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन या इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ बिटवीन से कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है, मैंने क्या बोला, उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। दूसरा मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या, चौथा होता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है, अब यहां पे इंटर लग गया मतलब बिटवीन आएगा, इंटर का मतलब मैंने बता दिया, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहां पे क्या होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन
कम्युनिकेशंस बिटवीन डेलीगेट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब अब यहां पे क्या हो रहा है कि डेलीगेट्स होते हैं, जैसे मान लो एक हो गया, यहां पे मैंने बोला ये हो गया नाबार्ड, ठीक है नाबार्ड, और ये हो गया आरबीआई, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ठीक है, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हो गए। अब इन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेलीगेट्स होते हैं, डेलीगेट्स मतलब यहां पे जैसे मान लो इनका हो गया ये डायरेक्टर, ठीक, ये आरबीआई के डायरेक्टर साहब हो गए। अब इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन डेलीगेट्स ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के बीच में अगर बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया होगा मैंने जो समझाया आपको कि जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, क्लियरली समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि कम्युनिकेशन क्या है, बेसिक सारी चीज़ें हमने समझ ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जा सकता है, क्या क्या तरीके हैं, है ना। पोस्टर से आपको समझाया जा सकता है, लीफलेट से समझाया जा सकता है, कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, सेमिनार किया जा सकता है, कई सारे तरीके हैं जो है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।